नहीं है, ये हमारा शाहरुख खान है, ये हमारा सलमान खान है, ये हमारा आमिर खान है, लेकिन वो जो खाना है ना, वो उनके फिल्मों को बैकाट करना है हमें लोगा। हमें लोगा इन्हें मुसलमान है, इसकी फिल्म देखो, इसकी फिल्म को पास कराओ बोल के पिछले बार करे ना, वो सबसे बड़ी गलती है। ये बोलते ना जो दुश्मन है आरएसएस के, उनसे भी खतरनाक ये है, ये इनको भी बैकाट करो, इनको भी बैकाट करना। क्यों ईमान वाला नहीं किया? जब कुरान के ऊपर बेहुरमती हो रही है, कुरान के आयतों को लोगों को मजाक बना रहे हैं, तो ये फिल्म इंडस्ट्री में मुसलमाना है, मुसलमाना के कितने करोड़ रुपए फिल्म इंडस्ट्री को जाते हैं, ये लोग ये हराम खो रहे हैं, एक लफ्ज अपनी जबान से नहीं निकाल रहे हैं। हमें इनकी फिल्मों को भी बैकाट करेंगे। और मुसलमान तो फिल्म देखना हमारे वास्ते हराम है, हम तो फिल्म नहीं देखते हैं। लेकिन इन मुसलमान है बोल को सपोर्ट नहीं करो, सेकुलर हिंदू रहा है ना उसके वास्ते हमें सपोर्ट करेंगे। आप और आपकी टीम सद्भावना यूथ वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से आप फिल्म इंडस्ट्री में भी गए थे और कमीशन ऑफिस में भी आए हैं, क्या मकसद है, क्या वजह से जो है आप? मकसद क्या है बोले तो, सद्भावना यूथ सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के जिम्मेदारों और साथियों और सब अहबाब मिलकर, इसमें दूसरे इदारों के भी अहबाब मिलकर, हिंदुस्तान की फिज़ा ख़राब करने, मुसलमानों को दुख देने के वास्ते, मुसलमानों को दर्द देने के वास्ते ये चंद प्रोड्यूसर हैं कि वो प्रोड्यूसर हैं कि मुसलमान के खिलाफ अगर अगरचे पिक्चर बनाए तो पिक्चर चलती है बोल के उनके जहनों में बैठ चुका है। तो कश्मीर फाइल से लेकर और दूसरे फिल्मों से लेकर बनाकर जो मुसलमानों के ऊपर एक हिंदुस्तान के अंदर हिंदू भाइयों के दिलों में नफरत डालने के लिए ये फिल्म मुसलमानों के खिलाफ फिल्में बना रहे हैं। ये समझिए कि मुसलमानों के खिलाफ बने तो फिल्में चलती है बोलकर, लेकिन वो कश्मीर फाइल लास्ट है, उसके बाद जितने भी फिल्में बने वो पूरे फ्लॉप हुए। समझ में आ गया हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमानों को, समझ में आ गया कि नफरत का बीज बो रहे हैं कि फिल्मों के जरिए से बोलकर। लेकिन हम दो हमारे बारा बोलकर एक फिल्म, एक नालायक जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर मिलकर जो बनाकर हैं, उसमें कुरान के आयतों की बेहुरमती करके हैं, सूरह बुखरा और सूरह निसा के ऊपर जो ये लोग अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमा कर है उसके वो जो इसे बदला कर जहन ख़राब करने के लिए, हिंदुओं का जहन ख़राब करने के लिए, मुसलमानों का दिल दुखाने के लिए इस फिल्म में मुसलमानों और कुरान की बेहुरमती कर कर हैं आयतों की, इसके ऊपर फिक्र कर कर सारे हिंदुस्तान में एक मुहिम चल रही है कि फिल्म थिएटरों में भी रिलीज़ नहीं होना, नेटफ्लिक्स में भी और इसमें सोशल मीडिया में भी ये नहीं होना बोलकर हमारा उसमें मंशा है कि हमें आज कर्नाटक के अंदर सद्भावना के तरफ से और दूसरे इदारे और जो उलमा की जिम्मेदारी में सब मिलकर हमें फिल्म चैम्बर, कर्नाटक के फिल्म चैम्बर MN सुरेश को जाकर हम लोगों ने प्रेसिडेंट को मिलकर एक अपील देकर है कि ये फिल्म रिलीज होने से कर्नाटक की फिजा खराब होती है, हिंदू मुसलमानों के दिलों में एक ये नफरत का बीज इन्होंने बो रहे हैं कि मुसलमानों को गिराने के लिए बोलकर। हमें ये क्या करते ही वो जो MN सुरेश ने जो फिल्म चैम्बर के जो प्रेसिडेंट है, एक बड़ी अच्छी उन्होंने ये करा कि कोसी भी ऐसी फिल्म कन्नड़ा में है रंदे, इसमें रंदे मुसलमान हिंदू मुसलमान के खिलाफ अगर अगरचे फिल्म रही तो हमें उसे रिलीज होने नहीं देते बोलकर ओरन माल और जितने भी PVR हैं ये हैं उनको सभी कॉन्टैक्ट करके हमारे सामने वहाँ के जो फिल्म चैम्बर के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बात करे। जो हमारा कन्नड़ा संगठन का जो बसवराज है वो भी साथ में हमारे आकर उन्होंने हिम्मत दिया कि बेफिक्र रहो मुसलमान दिल ख़राब कर लेने को, ऐसी चीज़ को हमें बढ़ावा नहीं देंगे, अगर जो फिल्म ये करे तो हज़ारों लोग हमें लोग हिंदू भाई तुम्हारे साथ में ही कन्नड़ा के जो ये हैं उन्होंने पूरे हमारे साथ में ही ये फिल्म रिलीज़ होने नहीं देते बोलकर। लेकिन अफसोस और दर्द होता है हमें, अब हमें कमीशन साहब से आकर अपील भी करें और कंप्लेंट हमें लॉन्च करके रहें, कमीशन साहब ने भरोसा दिलाया हमें इसके बारे में इलम है ये गलत है, ये मुसलमानों के दिलों को ढेस पहुँचाने के वास्ते ये फिल्म बनाकर शरारत कर रहे हैं बोल के दयानंद सर जो हमारे कमिश्नर है उन्होंने एक बहुत भरोसा दिया कि ये फिल्म रिलीज़ होने नहीं देंगे बोलकर उन्होंने ये करें। अब हमारी दूसरी ये क्या है कि हम सब मिलकर ये हमारे जो CM है कर्नाटक के CM है और दूसरे आपको DCM है और उन सबसे भी मुलाकात कर हमें लोग
इसके ऊपर कंप्लेंट दे कर रही है और हमारे लायर हमारे जो अजहर हैं और जो दूसरे हमारे लायरों की टीम है साथिया हैं लीगल सद्भावना के लीगल एडवाइजर जितने भी हैं वो सब भी हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाने की तैयारी में हम लोग हैं और किसी हालत से हम लोग वो फिल्म ये नहीं करेंगे। प्रोड्यूसर डायरेक्टर को और इसके एक्टरों को जेल को भेजने का इंशाल्लाह पूरा हमारा तैयारी है। सर एक बात बताइए, ये हर बार मुसलमान के साथ क्यों होता है, चाहे वो कश्मीर फाइल्स हो या हम दो हमारे बारा हो, ऐसा क्यों मुसलमान ही क्यों? ये क्या है देखो, नफरत का बीज जो कौम के जो दुश्मना है, मुसलमानों के जो दुश्मना है, आरएसएस वीएचपी बजरंग दल ये सभी मिलकर मुसलमानों को तकलीफ कहाँ होती है, मुसलमानों को दर्द कहाँ होता है, वहाँ पे छेड़ना है। अब यहाँ तक के फिल्मों में विलन मुसलमान को दिखाते हैं, पहले के फिल्मों में टोपी पहनने वाला मुसलमान हेल्प करने वाले को दिखा देते, आज मुसलमान को टेररिस्ट दिखा रहे हैं इन लोग। क्यों बोलो तो ये हिंदू जो 1 करोड़ 40 लाख जो हिंदुस्तान के अंदर जो हैं उसमें तकरीबन 30 से 35 करोड़ मुसलमानों को दिल को दुखा रहे के यानी कि 80% हिंदुओं के दिल में नफरत डालने के वास्ते ये कर रहे हैं। मुझे हमें लोगों को अकल नहीं है, ये हमारा शाहरुख खान है, ये हमारा सलमान खान है, ये हमारा आमिर खान है, लेकिन वो जो खाना है ना वो उनके फिल्मों को बैकाट करना है हमें लोग। हमें लोग इन्हें मुसलमान है, इसकी फिल्म देखो, इसकी फिल्म को पास कराओ बोल को पिछले बार करे ना, वो सबसे बड़ी गलती है। ये बोलते ना जो दो दुश्मन है आरएसएस के उनसे भी खतरनाक ये है, ये इनको भी बैकाट करो, इनको भी बैकाट करना। क्यों ये ईमान वाले ने क्या, जब कुरान के ऊपर बेहुरमती हो रही है, कुरान के आयतों को लोग मजाक बना रहे हैं, तो ये फिल्म इंडस्ट्री में मुसलमान है, मुसलमान के कितने करोड़ रुपये फिल्म इंडस्ट्री को जाते हैं, ये लोग ये हराम खो रहे हैं, एक लफ्ज अपनी जबान से नहीं निकाल रहे हैं, हमें इनकी फिल्मों को भी बैकाट करेंगे। और मुसलमान तो फिल्म देखना हमारे से हराम है, हम तो फिल्म नहीं देखते हैं, लेकिन इन मुसलमान है बोल को सपोर्ट न करो। सेकुलर हिंदू रहा है ना उसके वास्ते हमें सपोर्ट करेंगे। जैसे यहाँ के फिल्म चैम्बर के एमएन रमे सुरेश ने जो हमें वादा करे, हमारे दयानंद सर जो कमिश्नर है उन्होंने बोला मुसलमानों के दिलों को दर्द पहुंचा है इसलिए हम फिल्म रिलीज होने नहीं देंगे, हमें एक्शन लेंगे करके बोल कर हैं, हमें इनको हमें बोलते तहे दिल से हमें शुक्रिया अदा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कर्नाटक को केरला गवर्नमेंट इसे बैन कर को है, केरला तमिलनाडु में बातचीत चल रही है बैन करने के लिए, कर्नाटक की गवर्नमेंट भी प्रेशर डाल रही है, कर्नाटक की गवर्नमेंट भी इसे बैन करेंगे। इस वक्त हमें लोग 15 दिन से हमें बोलती ना सुकून की नींद कर नहीं, जब भी वो ट्रायल देखते हैं फिल्म का हमारा दिल दुखता है, हमारी आंखों में आंसू आते हैं, हमें बेखरारी होती है, कुरान की बेहरमती इतनी इससे कर रहे हैं, ये कैसा नींद कर रहे हैं यहाँ के लीडर हैं, यहाँ के मुसलमान लीडर हैं बोलकर, उलमा के सिवा और सोशल वर्कर के सिवा कोई हमारा नहीं है। हमें जो चुनको ईमान वालों को चुनना सीखना है, अब से हमें उलमा से इंतजा है, ईमान वाला रहा तो हमें असेंबली तक भेजेंगे, विधानसभा तक भेजेंगे, लोकसभा तक भेजेंगे इंशाल्लाह। कोई प्रोटेस्ट या इत्तेजाज आप लोगों की तरफ से? इसमें गैर भाइया जो गैर हिंदू भाइया हम ना बोल कर फिल्म रिलीज हो तो हमें सड़कों पे आएंगे बोलकर, लेकिन हम ना भरोसा है कानून पर भरोसा है, हमें सड़कों पर नहीं आएंगे, हम ना कानून के ऊपर भरोसा है, कानून उसे स्टॉप करता है। सर 7ನೇ ತಾರೀಖು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮನ್ಸಿಂಗು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಹೋರಾಟ ಇದೆ? ನಮ್ಮದು ಅಮರ ವಾರ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ 7ನೇ ತಾರೀಖು, ಏನು ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗಲಿ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನೋವು ಮಾಡೋಂಥ ಕೆಲಸ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಕುರಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಕಣಕಂತ ಕೆಲಸ ನೋವು ಮಾಡೋಂಥ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ನೋವು ಮಾಡೋಂಥ ಕೆಲಸ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಕೂಡಲೇ ಆ ಸಿನಿಮಾ ರದ್ದಾಗಬೇಕು, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇನೆ ವತಿಯಿಂದ ಆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಥಿಯೇಟ್ರ್ಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾದರೆ ಸರ್ಕಾರನೇ ಹೊಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೂಡಲೇ ಆ ಸಿನಿಮಾ ರದ್ದಾಗಬೇಕು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬರಲಾರ್ದಂಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸೇನೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಇದೆ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಬರಲಾರ್ದಂಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರ ಜೊತೆ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ, ಯಾವುದೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಣತಂಬರಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಕನ್ನಡ ಜಾತಿ ಕನ್ನಡ ಧರ್ಮ ಕನ್ನಡಜರು ಎಲ್ಲ ಮೈಯಲ್ಲಿರೋ ರಕ್ತ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ, ನಾವೆಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ, ಶಿವಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಣತಂಬರಾಗಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಗಣೇಶಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ರಂಜಾನ್ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದರೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸೇನೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕನ್ನಡಿಗರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಏನು ನಮ್ಮದು ಅಮರ ವಾರ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಸಿನಿಮಾ 7ನೇ ತಾರೀಖು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ರಂಜಾನ್ ಸಾಬ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಂತ ರಂಜಾನ್ ಸಾಬ್ ಬಳ್ಳಾರಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡವರು ಆಂಧ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕನ್ನಡಕ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ರಂಜನ್ ಸಾಬ್ ಅವರು ಶಿಶುನಾಳ ಸರೀಫ್ ಕೊಡಗನ್ನ ಗೋಳಿ ನಿಂಗುತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ನಡ ಕವಿಗಳವರು ಶಿಶುನಾಳ ಸರೀಫ್ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ನಾಡು ಇದು ಕೆ ಎಸ್ ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ದು ಎಜೆ ಸುದೀಮ್ ಅವರು ಕರೀಂ ಖಾನ್ ಅವರು ಅವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಕನ್ನಡಿಗರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಹಳಷ್ಟು ತ್ಯಾಗ ಇದೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಡಗಿಬಿಟ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂಥ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದ್ದೀವಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತವರಿಗೆ ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಇದೆ ಸರ್ ಈ ತರ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಕ್ರಮ ತಗೊಂತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಎನ್ಎಂ ಸುರೇಶ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನವಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅವರೇನು ಟ್ರಸ್ಟಿಂದ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಒಂದು ಮನವಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಒಂದು ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಕೂಡಲೇ ಏನು ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಏನಿದೆ ಕೂಡಲೇ ಅವ್ನು ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಸವರಾಜ ಪಡ್ಕೋಟಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸೇನೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿ ಸರ್ ಸದ್ಭವನ ಯೂತ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಸರ್ ಅದು ಈಗ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಸಸ್ತಿಂ ಬಂಧುಗಳು ನಮ್ಮ ಅಂತಮಂದ್ರ ಅವರು ಕೂಡ ಅವರು ಒಂದು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನನಗೆ ಹಮ್ದೋ ಅಮಾರ ಬಾರ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಅವ್ರ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋವ್ ಆಗೋವಂಥ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಷನ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಕುರಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರಂತ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಸಾರ ಬಡವರು ಸಂಸಾರ ಬಡ ಫಿಲಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿರಲ್ಲ ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಕಮ್ಯುನಲ್ಲಿಗೆ ನೋವಾಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇದ್ದಾಗ ಅಂಥ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲರೂ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಯಾರಿಗೂ ಯಾವ ಕಮ್ಯುನಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹಿಂದೂ ಆಗಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಆಗಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಯಾವುದು ಅದಾಗಬಾರ್ದು ಅಂಥದ್ದೇನೋ ಸಿಚುವೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಓನ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶೋ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬಂದಿದೆ ಅದೇನಾರು ಅಂಥ ವಿಚಾರ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮದ್ರ ಸ್ವಂತ ಕೆಲಸ ನಾವು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾರಿಗೂ ಎಲ್ಲೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಶಾಂತಿ ರೀತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಬೇಕು ಇದು ಸೆನ್ಸರ್ ಆಗಿರೋದು ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ಅನಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಅಮ್ದು ಅಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ವಿಚಾರದಿಂದ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸರ್ನಿಗೆ ಒಂದು ಅಥಾರಿಟಿಗೆ ನೀವು ಲೆಟ್ರ್ ಕೊಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಸಹಕಾರ ಆಗಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮುಂಬೈವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಅಪೀಲ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ನೀವು ನಾವು ಕೊಟ್ಟರು ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದರೆ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ನೋಡದೆ ಮಾತಾಡೋದು ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಯಾವುದೋ ಥರ ಮರೆ ಮಾಚಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ನೋವು ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ತೊಂದರೆ ಮಾಡೋಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕತ್ತೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ನನಗೆ ಬಂದಿದೆ ಇದನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡೋಂಥ ಕೆಲಸ ಸಂಸಾರ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡೋರು ಜವಾಬ್ದಾರಿತ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ಕೆಲಸ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಅದರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಸಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದು